बिहार शरीफ की जनता के साथ साथ पूरे भारतवासी की जनता को दुर्गा पूजा एवं नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और खास के बिहार शरीफ के लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि जो भी विधि व्यवस्था बनाई गई है, जो भी सुरक्षा का नियम बनाया गया है, जो भी ट्रैफिक रूट बनाया गया है, उसका पालन करें, किसी भी दुर्घटना से बचे। और सारे नालंदा वासी जो दूर दूर से आते हैं हमारे बिहार शरीफ में दर्शन करने के लिए, पंडाल का और मेला घूमने के लिए आते हैं, उनको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अच्छे से आए, सुरक्षा से आए, अपने पास अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने माताओं बहनों का ख्याल रखें जो हमारे वृद्धावस्था में है, हमारे जो उनका ख्याल रखें। और शहर में किसी तरह की अफवाहें फैलती है उसको सर उसको प्रशासन को संपर्क करें, और जितने भी हमारे जनता प्रतिनिधि हैं और वैसे लोग हैं जो एक अच्छा समुदाय बनाना चाहते हैं, जो एक सोशल वर्कर हैं, जो एनजीओ से जुड़े हुए हैं, वो अपने शहर में अच्छी व्यवस्था बना के रखे। किसी भी अफवाह में, मैं फिर बोलना चाहूंगा, किसी भी अफवाह पे ना सुने, कुछ भी अब सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक ना लिखे, किसी भी धर्म को ठेस ना पहुंचाए। मैं दोनों धर्म के लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज, एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये देश मेरा है, ये बिहार शरीफ हमारा शहर है, तो इस शहर की हिफाजत करना, सुरक्षा करना हमारा फर्ज बनता है। तो कभी ऐसी कोई बातें आपत्तिजनक किसी धर्म के खिलाफ, किसी समुदाय के खिलाफ ना करे जिससे कोई घटना घटे। इसलिए मैं आज आखिरी बार रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की, दुर्गा पूजा की, दशहरा की। आप लोग अच्छे से रहे, आप लोग अच्छे से मेला घूमे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। जिला प्रशासन को क्या संदेश? मैं जिला प्रशासन को बोलना चाहूंगा सर, बहुत अलर्ट होकर रहने की जरूरत है, अब चौकसी की जरूरत है। हमारे जो जिला कप्तान एसपी साहब है उनको मैं कहना चाहूंगा कि जिस जिस जगह पे ऐसा लगता है कि दोनों समुदाय के लोग लड़ लेते हैं, वहां पे कड़ी व्यवस्था की जरूरत है। और खासकर ट्रैफिक एसपी साहब से मेरी बात हुई भी थी, उनको मैंने कहा भी था कि जिस जिस जगह पे जहां जहां जो आपका रूट मैप है, जो आपने रूल बनाया है, जो आपने रेगुलेशन बनाया है, उसको पूरा फॉलो करें। और नगर निगम के लोगों से भी मेरा खुद से भी रिक्वेस्ट है, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, कि साफ सफाई का पूरा पूरा ध्यान रखें। तो देखिए जहां पे शौचालय की व्यवस्था है, साफ सफाई है कि नहीं है। और जहां पे स्मार्ट सिटी के लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा कि जहां जहां रोड अभी भी टूटा फूटा है, वहां पे टेम्पररी कम से कम ऐसा बना दे कि घटना ना घटे।